अगली खबर है सीएम सिटी करनाल से, जहां हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से घबराकर अब करनाल विधानसभा क्षेत्र से अपनी हार के डर से यहां से भागकर नए सुरक्षित क्षेत्र को तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली और उनके गुस्सेले रवैये के कारण करनाल ही नहीं जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की हालत पतली है। सरदार त्रिलोचन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें जानकार व सूत्रों से खबर मिली है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों से करनाल हलके में लोगों की राय के आधार पर सर्वे कराया था। इसमें बताया गया था कि मुख्यमंत्री ने करनाल में नगर निगम चुनावों के दौरान पंजाबी व गैर पंजाबी को लेकर जो बयान दिया था उससे करनाल में 36 बिरादरी के लोग नाराज हैं। करनाल में पिछले 70 सालों से जो आपसी भाईचारा था उसमें मुख्यमंत्री ने खटास पैदा की है, भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास किया है। करनाल में पिछले 5 सालों में विकास कार्य नहीं हुए, ना ही हल्के के मतदाताओं को मुख्यमंत्री ने उचित सम्मान दिया है। करनाल के लोग मुख्यमंत्री के गुस्सैले रवैये से बेहद नाराज हैं। इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री करनाल से भागने की तैयारी कर रहे हैं। वह अपने लिए सुरक्षित क्षेत्र तलाश रहे हैं। उनके कारण करनाल की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत खतरे में है। उन्होंने बताया कि लोगों को 5 साल पहले जो गलती की थी उसका एहसास हो रहा है। लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने विश्वासघात किया है। सुनिए क्या कहा सरदार त्रिलोचन सिंह ने। हाँ जी, कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री के मुकाबले में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 26 तारीख को हरियाणा के कांग्रेस के सभी नेताओं की मीटिंग है, हुड्डा साहब की, शैलजा जी की व बाकी अन्य जो नेतागण हैं चंडीगढ़ में। उसके बाद फाइनल होगा भाई करनाल जिले से कौन सा कैंडिडेट कहाँ आएगा। तो बाकी यहाँ करनाल से हमारी पूर्व विधायक सुमिता सिंह हैं, लाइन में हैं, और उनको अगर टिकट मिलेगी तो हम बड़ा जोरदार मुकाबला करेंगे। लेकिन मेरे को विश्वस्त सूत्रों से ये मालूम पड़ा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इंटेलिजेंस एक सर्वे कराया है करनाल का, कि उनकी जो गुस्सेल शैली है उससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा यहाँ के वोटरों पर। उसमें जो बात उभर के आई है जो नगर निगम के चुनाव के दौरान इन्होंने एक शगुफा छेड़ दिया था पंजाबी गैर पंजाबी का, उससे जो है जो करनाल के वोटर हैं करीब 2,30,000 के करीब हैं, उनमें एक बात जो गलत मैसेज गया भी हम पिछले 100 साल से 70 साल से आपसी भाईचारा रह रहे हैं, किसी को पंजाबी गैर पंजाबी की बात ही नहीं मालूम, और मुख्यमंत्री ने यह कहकर हमारे मनों में जो खटास पैदा की है उससे वो मुख्यमंत्री के खिलाफ है। दूसरा जो गुस्सेल शैली है, कभी फरसा लेकर कहना गला काट दूंगा, कभी सेल्फी लेते हुए आदमी को धक्का देना, कभी वृद्ध दंपति को बोलना तुम्हारे को अंदर करा दूंगा, इस शैली से भी लोगों का गलत असर गया है भाई, ये ऐसा सीएम हमारे को नहीं चाहिए। तीसरा, उनके आने पर सीएम सिटी कम क्राइम सिटी ज़्यादा बन गया, विकास कोई हुआ नहीं, और भाई भाई को लड़ाने की हर संभव कोशिश की इस मुख्यमंत्री मोदी ने करनाल के अंदर भी और करनाल से बाहर भी। इस वजह जो रिपोर्ट गई है इंटेलिजेंस की वो यही गई है कि आपके लिए ये सीट और इसके साथ लगती चारों सीट और अन्य जो हैं पांचों सीट करनाल जिले की, इनमें अच्छी पोजीशन नहीं है, और जो कांग्रेस अपने उम्मीदवार देने जा रही है वो भी बड़े सशक्त उम्मीदवार आएंगे, इसलिए रिपोर्ट दी गई। उसके बाद मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री महोदय या फरीदाबाद या पानीपत या कहीं और से तलाश जारी कर रहे हैं सीट की, यही सबसे बड़ी बात है। अगर मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा भी अब करनाल में रहो और देखो आपने जो भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की उसका रिजल्ट भी भुगतो, जो कभी पंजाबी गैर पंजाबी का मुद्दा उठाया उसका रिजल्ट भी भुगतो, क्राइम सिटी का जो श्रेय आप लेना चाहते हो सीएम सिटी का, क्राइम सिटी के लोगों का गुस्सा भी झेलो, यही रहना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को करनाल छोड़ के। तो आप कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा सीट छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं और बहुत जल्दी इसकी ये घोषणा करने वाले हैं कि वो करनाल से नहीं अगला चुनाव फरीदाबाद से या पानीपत से लड़ने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि मेरे को पहले से भी ज्यादा वोट मिले, लेकिन जो रिपोर्ट गई है वो ये गई है कि आपको दिन में तारे नजर आ सकते हैं जब चुनाव लड़ोगे, तो उससे डरते हुए
वो अपना रुझान जो है कहीं और करने जा रहे हैं, इसलिए तो करनाल के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के उनका मान सम्मान ये नहीं कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।